नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल नगर निगम बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने अपने प्रश्न के दौरान अधिकारियों को घेरा। पार्षद शीरिन खान ने निगम के पास कुल वाहनों की जानकारी, उनकी रिपेयरिंग में हुए खर्च और वाहन किन अधिकारियों के पास इस संबंध में प्रश्न पूछा। वहीं एमआईसी मेंबर राजेश हिंगुरानी ने इसकी जानकारी दी। कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने बीसीएलएल और दुकानों से जुड़ा प्रश्न पूछा, जिसका एमआईसी मेंबर मनोज राठौर ने जवाब दिया। गुड्डू चौहान ने तह बाजारी और पार्किंग से जुड़ा प्रश्न किया और सवाल उठाते हुए कहा कि भोपाल में पार्किंग फ्री होगी, इसके बाद भी अवैध वसूली हो रही है, जिसका जवाब एमआईसी मेंबर जगदीश यादव ने दिया और अवैध पार्किंग पर अंकुश लगाने का आश्वासन दिया। अवैध पार्किंग का मुद्दा भी पूरे बैठक में छाया रहा। जो नगर निगम जो वाहन है, जो मैंने अभी जो क्वेश्चन लगाया, वो नगर निगम में जो वाहन जो है उसको जो उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, सीएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा है, मेरा क्वेश्चन उस पर था। तो वहाँ पे जो मैंने महापौर जी से, अध्यक्ष जी से उसकी व्यवस्था मांगी कि सीएनजी जो हमारी राज्य सरकार द्वारा, देखिए आप गाइडलाइन के हिसाब से जो पुराने वाहन हैं उसको 15 साल के अंदर, जितने भी 15 साल पुराने वाहन हैं उनको जो है स्क्रैप में भेज दिया जाए, तो उन वाहनों को आप कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं सीएनजी में? क्योंकि वो वाहन वैसी क्षतिग्रस्त अवस्था में तो उसको स्क्रैप कर दिया जाना चाहिए, उसको आप सीएनजी में कन्वर्ट कर रहे हैं और हर महीने का मेंटेनेंस आएगा, उसमें लाखों रुपया खर्च अभी तक हो चुका है और आगे भी होगा, तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है नगर निगम में। लेकिन इस पे कोई भी ना व्यवस्था दी जा रही, ना हमारे महापौर जी कोई उस पे ध्यान दे रही है और ना हमारे अध्यक्ष महोदय जो है उस पे कोई व्यवस्था या जांच के आदेश दे रहे हैं। देखिए, भोपाल के जो लोकल ठेकेदार थे उन ठेकेदारों की सारी पार्किंग बंद कर दी, जाबाजारी बंद कर दी, और जो अकबर एजेंसी जो चल रही है न्यूमाइट में जिसकी पार्किंग हो रही है, मैं नगर निगम प्रशासन से और महापौर जी से आयुक्त महोदय से पूछना चाहता हूँ, क्या नगर निगम के जीजाजी हैं वो प्लान से वो मुंबई से भोपाल आते जाते हैं, 50-50, 100-100 रुपए वहाँ आप पार्किंग वसूली करा रहे हो। माननीय एमआईसी मेंबर कहते हैं कि वहाँ दोपहिया वाहन नहीं वसूल हो जा रहा है, मैंने ये दिखा दिया सबूत कि वहाँ पर लगातार दोपहिया वाहन का वसूली हो रही है और उसकी रसीद मेरे पास है। मैं पूछना चाहता हूँ, रंगदारी टैक्स कैसे लिया जा रहा है? जगदीश यादव जी क्या कर रहे हैं, महापौर जी क्या कर रहे हैं, और आयुक्त महोदय को कांग्रेस पार्षदों पर एफआईआर करने का बहुत ज्यादा शौक है। मैं अध्यक्ष जी ने आदेश किया है जाके एफआईआर करें, रंगदारी टैक्स कैसे ले रहा है वो व्यक्ति, यहाँ पर भोपाल में बाहर का आदमी आकर रंगदारी टैक्स ले रहा है, उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर होना चाहिए। ऐसी स्थिति पार्किंग भोपाल में चल रही है जहाँ पर पार्किंग माफिया पैसा वसूल रहे हैं, उनको हम चिन्हित करेंगे और अगर उनके खिलाफ निगम प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो हम कार्य पार्षद दल उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। भोपाल में अवैध पार्किंग चल रही है, लगातार आपके ऊपर प्रश्न उठाया जा रहा है, परिषद ने भी यहाँ पर विपक्ष के पक्ष द्वारा भी आपके ऊपर प्रश्न उठाया है, आप क्या कार्रवाई की? देखिए, सम्मान्य सदस्य द्वारा जो बताया गया है कि यहाँ अवैध पार्किंग चल रही है, यह हमने बंद कर दी थी वहाँ, लेकिन अवैध पार्किंग का सदस्य द्वारा बताया गया, अब उन पर कार्रवाई की जाएगी, कल से उन पर एफआईआर कर। पहले भी जब वार्ड नंबर 19 में पार्किंग चल रही थी, हमने आपको अवगत कराया था, उस पर भी आपने कहा था कार्रवाई करेंगे। एमपी नगर स्थित जिला अदालत के बाहर अवैध पार्किंग चल रही थी, उस पर भी आपने कहा था कार्रवाई करेंगे। टीवी मॉल के सामने अवैध पार्किंग चल रही है, उस पर भी आपने कहा था कार्रवाई करेंगे, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं, जाँच चल रही थी, उनको देखा गया था कि पार्किंग अवैध पार्किंग कौन कौन ठेकेदार है और इस पर आज से जाँच तेज कर दी जाएगी और जो भी इसमें अवैध पाएगा उन पर एफ आई आर। सर, जो रिसीविंग बताई गई है परिषद की बैठक में, जो रिसीविंग बताई है संभालिए पार्षद, उस रिसीविंग क्या वो फर्जी रिसीविंग है या यहाँ से अलर्ट हुई है? नहीं, वो यहाँ से अलर्ट नहीं हुई, वो फर्जी फर्जी है, तो एफ आई आर करवा रहे हैं, उस पर एफ आई आर होगी आज शाम तक। जाँच में होगा क्या, जाँच किस प्रकार की होगी? अभी तक एक भी प्रकार की जाँच हुई हो तो आप सबके सामने बताएंगे क्या जाँच की गई? नहीं, जांच तो आज हम राउंड पे निकलेंगे अधिकारियों के साथ। तेज बाजारी पूरे भोपाल में प्रतिबंधित है, तेज बाजारी पूरी तरह से पूर्णा बंद कर दी, पूरी बंद हो रही है, करो चौरा पूरे में दिन भर तेज बाजारी होती है, ठेले वालों से 20-20 रुपए लेते जाते हैं, आप कैसे कह रहे हो तेज बाजारी पूरे भोपाल में प्रतिबंधित? चलिए आपके बताए, अब इसको चेक कर लो, आप चल के हमारे साथ चलो, आपको चेक करवा नहीं हो तो उसको, अरे नहीं सर, देखो सारे साधन चेक करवा लेते। खबर समय चुकत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.